फैसल चौधरी साहब, क्या समझते हैं कि अदालत से मुमकिन तौर पर फैसला 90 दिन के अंदर, आज भी चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 224 को देखें तो कराने हैं, लेकिन अगर इन सबको सुना जाए तो समाअत लेट हो सकती है? मेरे ख्याल में आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाजे कर दिया कि ज्यादा टाइम नहीं है, लिहाजा ये समाअत बड़ी, इसमें ज्यादा पॉइंट्स भी नहीं, क्योंकि अथॉरिटी का क्वेश्चन है, वही डिसाइड होना है। एक दो नए क्वेश्चन बाद जजेज ने उठाए हैं आज, वो मेरा नहीं ख्याल कोई लंबे चलेंगे। जो जस्टिस अथर मिनल्ला का ऑब्जर्वेशन और पॉइंट है, जिसको चौथा क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल हैव गिवन मैंडेट टू यू फॉर 5 ईयर्स एंड यू डिसॉल्व द असेंबली बिफोर 5 ईयर्स एंड दिस अराइजेज द क्वेश्चन कि आपको 5 साल का मैंडेट मिला है, आपने जल्दी उसे खत्म कर दिया है, तो ये भी अपनी जगह है कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर 112(5) को रिडंडेंट तो नहीं करेंगे ना जज? 112(5) में वजीर आला को और वजीर आजम को आर्टिकल 95-96 के तहत ये पावर्स हासिल है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो नहीं बैठ सकते जैसा, उसकी तशरी कर सकते हैं, तशरी करेंगे उसकी। तो आप ये समझते हैं कि आर्टिकल 105 और 112 ये एम्पावर करता है जो वजीर आला है उसको कि वो असेंबली किसी भी टाइम डिसॉल्व कर सकता है? देखिए, जजेस ने कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर कर, वो ये नहीं कह सकते कि जो वजीर आला जिसका जिसने एतमाद का वोट लिया, कस्टोडियन ऑफ द हाउस भी हुआ है, तो उसके लिए कोई वजह तो नहीं इंसर्ट कर सकते। सर, दो जो जजेस हैं, जस्टिस मजाहिर अली अकबर नकवी, जिसके नाम ना ले सर, वो मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं ले रहा, असल मैं आपको वैसे बता रहा, मुस्लिम लीग नून ने ले लिया सर, उसको छोड़े। मुख्तलिफ जजेस के व्यूज भी मुख्तलिफ है इस तमाम। अच्छा, ये जजेस से बिल्कुल मेरे जहन में सवाल आ गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था जो आपसे हम नहीं कर पाए, वो ये था कि जो जस्टिस जमान मंदोखेल ने बेंच पे एतराज उठाया, एक तरह से इनडायरेक्टली वो बेंच पे एतराज था, इन्होंने कहा कि दो जजेस ऑलरेडी अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं इस हवाले से, उस पर हम जानते हैं कि जस्टिस मजाहिर अली नकवी साहब है, उसमें जस्टिस इजाजुल हसन है, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, उन्होंने जो बेंच की वो है, उन्होंने जो असल में किया है, उन्होंने तो सो मोटो जो उन्होंने एज्यूम की है चीफ जस्टिस साहब ने जुरिस्डिक्शन, उस पर कहा है कि जनाब आप नहीं करें, जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी अच्छी बात कह दी कि भाई सो मोटो को अगर साइड पे भी रखते हैं तो हमारे पास दो पिटिशनें ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पिटिशनर्स हैं वो दोनों असेंबलियों के स्पीकर्स हैं, तो मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन को वो इसी स्टेज पे सेटल कर लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच राजा आमिर अब्बास साहब, हमारे साथ मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के मारूफ कानूनदान, और वो बता रहे थे कि अब तक की अगर समाअत को देखा जाए, जो कि पहली समाअत है, हम किसी भी कंक्लूजन पे बहुत अर्ली जंप नहीं कर सकते, लेकिन अदालत ये चाहती है कि वक्त पर इंतखाबात हो। फिलहाल के लिए इतना ही, कंपल सैदी को इजाजत दीजिए, अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज। ताला आज पिशावर है, कल आपने देखा लाहौर, पहली पार्टी तरीके इंसाफ, पहली जमात है पाकिस्तान की, पहले लीडरशिप गई है और उसके बाद कारकुन गए, आज पिशावर पे भी इंशाल्लाह ताला होगा, ये गली गली कूचे कूचे तक जाएगी और ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बहाल नहीं होता, जब तक पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स बहाल नहीं होते, जब तक ये जो एटम बम इन्होंने महंगाई का मारा है इसको ये वापस नहीं लेते, और चौथा पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। जब आप कहेंगे हम तैयार हैं, जिस दिन इस्लामाबाद की बारी आई सबसे पहले मैं गिरफ्तारी दूंगा, मैं 2016 में भी इनका निशाना बन चुका हुआ, तो मैं अडियाला 10 दिन रह के आ चुका हूँ, तो इंशाल्लाह ताला, और मैं इस्लामाबाद की तरफ से बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं राजा खुर्रम असद भी पहले दे चुके हैं, उसके बाद हमारी तंजीम, और इस वक्त तक हज़ारों लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, हज़ारों लोग, आप देखेंगे जिस दिन इस्लामाबाद की डेट आएगी, इस्लामाबाद की स्ट्रीट्स भर जाएंगी जो लोग गिरफ्तारी देने जा रहे हैं।